जालौर जिले के रानीवाड़ा शहर में पिछले 2 दिनों से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सभी निजी अस्पताल व मेडिकल की दुकानें बंद हैं। वहीं डॉक्टरों, क्लिनिक व मेडिकल संचालकों ने रानीवाड़ा शहर में पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम रानीवाड़ा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग की। पहले तो पत्रकार महोदय, आपका धन्यवाद। जो आपने सुना, रानीवाड़ा में अभी तक किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, ना पूछा है। और दूसरी बात ये है कि प्रोटेस्ट पूरे राजस्थान में हो रहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही है, उसमें ये है कि सरकार चाहती है कि हम सरकारी सुविधाएं जो दे रहे हैं पब्लिक को, वही प्राइवेट सेक्टर भी सुविधा दे पब्लिक को। तो देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार को कुछ देना पड़ेगा। तो देने के नाम पर सरकार कुछ दे नहीं रही है लॉलीपॉप के सिवाय, और लेने के नाम पर सारी सुविधाएँ ले रही है। जैसे कुल मिला के 54 तरह के हमारे लाइसेंस हैं, जो हर रोज़ एक न एक रिन्यू होता ही रहता है, वो देते हैं, टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं प्राइवेट वाले। और सारी चीज़ें प्राइवेट होने के बावजूद भी पब्लिक को अगर हम फ्री करेंगे, तो फिर हम इन स्टाफ को, डॉक्टर को, रेंट, सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगे? तो सरकार या तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा करें जिसमें सरकारी सुविधा हमें दे, ताकि हम पब्लिक के लिए सारी सुविधाएं फ्री कर सकें। यही मेन कारण है। जब तक सरकार ये नहीं मानेगी, तब तक हम हमारी हड़ताल जारी रखेंगे।